चैप्टर नंबर 7 सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। आज बच्चों जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन कहते किसे हैं। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। अ सॉल्यूशन क्या है? दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स का जो मजमुआ होता है उसे हम कहते हैं सॉल्यूशन। मिसाल के तौर पर एक गिलास पानी लें और उसमें थोड़ा सा आप नमक डिसॉल्व करें तो क्या होगा? पानी में जो नमक हमने डाला वो मिक्स हो जाएगा, वो हमारे पास क्या आ जाएगा? सॉल्यूशन। ये एग्जांपल होगी सॉल्यूशन की, द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इज अ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स हैं, बेसिक जो कंपोनेंट्स हैं वो इसके टू हैं। नंबर 1 सॉल्यूट और नंबर 2 सॉल्वेंट। सॉल्यूट द सब्सटेंस इन लेस अमाउंट। अब जो हमने मिक्सचर बनाया है नमक और पानी का, जो नमक हमने कम क्वांटिटी में डाला है उसे हम कहते हैं सॉल्यूट, यानी कि कम मिकदार वाली चीज को हम सॉल्यूट कहते हैं। सॉल्वेंट द सब्सटेंस इन विच सॉल्यूट इज डिसॉल्व, एग्जांपल वाटर। अब पानी जो हमने लिया, पानी की मिकदार ज्यादा थी तो उसे हम बोलेंगे कि ये सॉल्वेंट है, और नमक को, नमक की मिकदार कम थी उसे हम बोलेंगे सॉल्यूट है। यानी कि जब दो चीजें आपस में मिलती हैं तो हमारे पास सॉल्यूशन की फॉर्म में आ जाती है। सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट एरो साइन सॉल्यूशन, यानी सॉल्वेंट और सॉल्यूट जब आपस में मिलता है तो उसे हम बोलते हैं सॉल्वेंट्स। समझ आई? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सबसे पहले स्टेट ऑफ सॉल्यूट, सेकंड है स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, और फिर आगे एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहले सॉलिड और लिक्विड, जब सॉलिड और लिक्विड आपस में मिक्स होगा तो ये एग्जांपल होगी सॉलिड लिक्विड। इसकी बेस्ट एग्जांपल वही जो मैंने आपको पहले बताया, ये साल्ट सॉल्यूशन, पानी लिया और उसके अंदर हमने नमक को मिक्स कर दिया तो ये बन गया सॉलिड लिक्विड। और इसकी एग्जांपल है टी, चाय। चाय के अंदर पत्ती क्या होती है? सॉलिड फॉर्म में होती है ना, वो सॉलिड फॉर्म में होगी। दूध लिक्विड फॉर्म में होगा और पानी लिक्विड फॉर्म में होगा, इस तरह ये चाय की एग्जाम्पल होगी सॉलिड लिक्विड में। सेकेंड जो है लिक्विड लिक्विड, यानी कि लिक्विड लिक्विड जब आपस में मिक्स होंगे तो वो बनेगा लिक्विड लिक्विड। फॉर एग्जाम्पल इंक इन वाटर, पानी लें और उसमें आप इंक मिक्स करें तो वो इंक इन वाटर यानी एग्जांपल होगी लिक्विड लिक्विड की। नंबर 3 गैस प्लस लिक्विड, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, जो ऐसी बोतल जो आप लोग पीते हैं मतलब पेप्सी कोको कोला, उसमें सारे जो तमाम ड्रिंक्स होते हैं जो हम लोग पीते हैं उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व की होती है, इसलिए इसका नाम दिया जाता है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, यानी कि ऐसे ड्रिंक्स जिसमें CO2 की मिकदार शामिल की जाए। अब नेक्स्ट है गैस इन गैस, मतलब गैस और गैस दोनों। एयर इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है एयर, बिकॉज एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, EDC। नेक्स्ट जो है लास्ट वन सॉलिड प्लस सॉलिड, यानी कि सॉलिड दोनों जब सॉलिड चीजें होंगी तो वो सॉलिड प्लस सॉलिड की एग्जांपल होगी। इसकी एग्जांपल है ब्रास, इसके अंदर जिंक और कॉपर, जब दो चीजें आपस में मिक्स होती हैं तो सॉलिड और सॉलिड की एग्जांपल। बच्चों पहले हम पढ़ चुके हैं सॉल्यूशन के बारे में, अब एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करेंगे कि सॉल्यूशन को कैसे तैयार किया जाता है। सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें दो से ज़्यादा चीज़ें रिक्वायर होती हैं, फिर सॉल्यूशन तैयार होता है। सबसे पहले देखें ये चीनी और आपने पानी लेना है, चीनी को पानी के अंदर मिक्स करेंगे तो जो चीनी है पानी के अंदर मिक्स हो जाएगा। अब चीनी को हम सॉल्यूट बोलते हैं क्योंकि चीनी की जो क्वांटिटी है वो कम मिकदार में ली जाती है और पानी की जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है, और उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। यानी कि सॉल्यूट और जब सॉल्वेंट आपस में मिलते हैं तो हमारे पास सॉल्यूशन की फॉर्म में आ जाता है, ये सॉल्यूशन बन गया हमारे पास। दूसरी जो इसकी एग्जांपल थी बेस्ट, साल्ट इन वाटर, साल्ट की मिकदार कम लेंगे और इसमें भी हम पानी की मिकदार ज़्यादा लेंगे, इस तरह हमारे पास साल्ट इन सॉल्यूशन जो है वो तैयार हो जाएगा। और लिक्विड इन लिक्विड की एग्जांपल वो है कि आप इंक लें और इनको पानी के अंदर मिक्स करेंगे तो ये लिक्विड है और लिक्विड की एग्जांपल बन जाएगी।